तो दोस्तों हर साल की तरह इस साल भी एप्पल ने अपने WWDC 2020 में इंट्रोड्यूस किया है अपने न्यू iOS का, जो कि दोस्तों iOS 14। तो दोस्तों इसके बारे में काफ़ी सारे जो फीचर्स हैं सामने निकल के आए हैं, जो कि आपको अपकमिंग iOS 14 में देखने को मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम आज बात करने वाले उन सारे फीचर्स के बारे में, आखिर कौन कौन से वो इंटरेस्टिंग फीचर्स जो कि आपको आगे आने वाले iOS 14 में देखने को मिलने वाले हैं, जिनका आप यूज़ करके यहाँ पर काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस ले पाएंगे। दोस्तों हम बात करते हैं इन फीचर्स के बारे में, आपको जानना है तो वीडियो को अंत तक जरूर से देखिए। सो हे गाइस, दिस इज शुभम, वेलकम टू आवर चैनल टेक्निकल नॉलेज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड टू द वीडियो। दोस्तों यहाँ पर जो पहला फीचर्स है वो है दोस्तों यहाँ पर होम स्क्रीन को लेके। यहाँ पर दोस्तों होम स्क्रीन लेआउट है उसको कम्प्लीटली यहाँ पे चेंज कर दिया है, जहाँ पर दोस्तों आपको ऐप लाइब्रेरी देखने को मिलेगी, जिसमें कि दोस्तों जो ऐप है उनको कैटेगराइज करके अलग अलग यहाँ पे लाइब्रेरी में सेट कर दिया है। मतलब जो गेम है गेम्स है उनको अलग कर दिया है, जो भी चैटिंग के ऐप्स है उनको अलग कर दिया है, ऐसे अलग अलग कैटेगराइज कर दिया है। और इसके अलावा दोस्तों मतलब इसको देखने में काफ़ी अच्छा हमको देखने को मिलेगा, एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहेगा। और इसके अलावा दोस्तों इसमें आपको अल्फाबेटिकली लिस्ट भी देखने को मिलेगी ऐप्स की, जो कि काफ़ी अच्छा यहाँ पर फीचर, जिसकी ऐप को आप इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों इसके होम स्क्रीन जो लेआउट हो काफ़ी कमाल का कर दिया, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस दोस्तों आपको देखने को मिलेगा इस अपकमिंग iOS 14 में। दोस्तों इसके अलावा जो हम अगले फीचर्स की बात करते हैं उसमें दोस्तों यहाँ पे आता है वीडियोज। यहाँ पे दोस्तों वीडियोज में आपको काफ़ी अच्छे यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों वीडियोज से आप उनको आप अपनी होम स्क्रीन पर ऐड कर पाएंगे। और दोस्तों यहाँ पर उनको आप किसी भी साइज जैसे 2x2 या किसी भी साइज में उनको कस्टमाइज करके अपने होम स्क्रीन पर कहीं भी उनको प्लेस कर पाएंगे। और इसके अलावा दोस्तों एक स्मार्ट वीडियोज भी आया, जिसको भी दोस्तों कहा गया है स्मार्ट स्टैक। इसमें दोस्तों क्या है कि आपको उसको आप जब होम स्क्रीन पर ऐड कर देंगे इस स्मार्ट वीडियोज को, तो इसके बाद दोस्तों जो भी आप जहाँ पे भी हैं, जो भी लोकेशन है या फिर जो भी कंडीशन है, दिन है रात है, जो भी वहाँ पे जो करंट सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग दोस्तों इस स्मार्ट विलेज में जी अपना कंटेंट ही ऑटोमेटिकली चेंज करता रहेगा, जो कि दोस्तों ये काफ़ी अच्छा हमको एक न्यूली कॉन्सेप्ट देखने को मिल रहा है विलेज के मामले में। दोस्तों देखते हैं कि आखिर ये किस तरीके रहते हैं। बाकी काफ़ी अच्छा यहाँ पे आपको ये ऑप्शन देखने को मिला है, जो कि दोस्तों यहाँ पे स्मार्ट टैग नाम का न्यू स्मार्ट वीडियो। इसके बाद दोस्तों भी बात करते हैं अगले, तो यहाँ पर आपने देखा हो जब हम सिरी का यूज़ करते हैं दोस्तों iOS में, तो वहाँ पर जब हम सिरी को ऑन करते हैं तो कम्प्लीटली पूरी स्क्रीन को कवर कर लेता है, लेकिन अब दोस्तों ऐसा नहीं रहेगा। अब वहाँ पर दोस्तों एक स्मॉल स्क्रीन नीचे की तरफ ही आपको सिरी देखने को मिलेगा, और दोस्तों आप उससे अपना जो भी मनचाहा काम है वो आसानी से करवा सकते हैं, उससे बातचीत कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों मतलब कम्प्लीटली स्क्रीन को कवर नहीं करेगा, और सेम दोस्तों कॉल के टाइम पे भी दोस्तों जैसा कि हमारे एंड्रॉयड में होता है, तो दोस्तों जैसे भी कॉल आएंगे तो आपको ऊपर तरफ दोस्तों वहाँ पे छोटी सी स्क्रीन पे दोस्तों उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद दोस्तों यदि हम बात करें यहाँ पे अगली फीचर्स की, तो वह दोस्तों यहाँ पे पिक्चर इन पिक्चर मोड, जो कि दोस्तों एंड्रॉयड में काफ़ी पहले से आ चुका है और दोस्तों आप iOS भी लेके आ चुका है। यदि आप देख रहे हैं आप यूट्यूब वगैरह पे कहीं पे भी कोई वीडियोस, तो उसको दोस्तों आप पिक्चर इन पिक्चर मोड के थ्रू एक छोटे से यहाँ पे विंडो में कन्वर्ट कर पाएंगे, उसको आप कहीं पे भी ड्रैग कर सकते हैं, और दोस्तों आप अपना दूसरा काम भी कर सकते हैं कंटिन्यू, उस वीडियो को भी यूज़ करते करते वीडियो भी चलता रहेगा और अपना काम भी आसानी से कर सकते हैं पिक्चर इन पिक्चर मोड के जरिए, जो कि यहाँ पे अपकमिंग iOS 14 में देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हो यहाँ पे एप्पल अपने एक नया ट्रांसलेट ऐप सामने लेके आया दोस्तों। वैसे तो यहाँ पे गूगल का ट्रांसलेट है वो भी काफ़ी अच्छा काम करता है दोस्तों, लेकिन एप्पल भी अपने एक नया ट्रांसलेट ऐप लेके आया, जिसके थ्रू यदि आप किसी भी कंट्री वगैरह में जाते हैं दूसरी कंट्री में, यदि आप उनकी भाषा को नहीं समझ पाते हैं तो यहाँ पर ये ऐप आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। यहाँ पर दोस्तों अभी जो लैंग्वेज है काफ़ी कम लैंग्वेज है, लेकिन दोस्तों फिर भी यहाँ पर जो एप्पल का है अपना खुद का ट्रांसलेट ऐप सामने आ चुका है। तो इसके बाद बात करें अगली यदि हम यहाँ पे फीचर्स की, तो वह दोस्तों इसमें जो आई मैसेज होता है एप्पल का, उसमें काफ़ी सारे चेंजेस किए गए हैं, जहाँ पर दोस्तों यहाँ पे आपको न्यू मेमोजीज देखने को मिलेंगे, जहाँ पर दोस्तों फेस मास्क वाला और इस तरीके के अलग अलग टाइप के न्यू आपको मेमोजीज देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आई मैसेज में जो चेंजेस किया गया है वहाँ पे दिए जो कन्वर्सेशन होती है, यदि कोई आपकी जो फेवरेट कन्वर्सेशन होती है उसका तो पिन कर सकते हैं, तो जब भी आप इसको ओपन करेंगे तो आपको सबसे टॉप पे देखने को मिलेगी। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन आया है यहाँ पे आई मैसेज के अंदर iOS 14।
दोस्तों इसके बाद जो अगला यहाँ पे फीचर्स आया वो दोस्तों मैप के अंदर, जहाँ पर दोस्तों आपको पता है मैप में काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि बात करें तो पैदल चलने का, या फिर बात करें तो कार ड्राइविंग का या रेलवेज का। इसके अलावा दोस्तों आप यहाँ पे बाइसिकल का ऑप्शन भी आपको सामने इसमें देखने को मिलेगा, और साथ ही दोस्तों यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का भी आपको मिलेगा ऑप्शन, जिसके थ्रू आपको ये नियर पॉइंट बता गया कहाँ कहाँ पर आप यहाँ पर अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चार्ज कर सकते हैं। जो कि दोस्तों ऑप्शन आया वो दोस्तों ईवी राउट ऑप्शन के जरिए, तो यहाँ पे एक अच्छा ऑप्शन आया, यदि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ड्राइव करते तो आपको पता चल जाएगा कि आखिर किस जगह पर हम इसको नियरेस्ट पॉइंट पे चार्ज कर सकते हैं। तो सर इसके अलावा जो अगला फीचर्स आया वो कमाल का फीचर दोस्तों, एप्पल एयरपोर्ट्स और उनको स्विच को लेकर उनको स्मार्ट स्विचिंग आपको देखने को मिलेगी उनमें। क्योंकि दोस्तों यदि आप सपोज काम कर रहे हैं किसी मैकबुक पर अपने, और आपका जो एयरपोर्ट्स आप उसको लगाए हुए कानों में कनेक्टेड है आपके मैकबुक के साथ, और उसी टाइम पर यदि आपके आईफोन में आ जाता है कोई कॉल वगैरह, तो यहाँ पर स्मार्टली दोस्तों वो स्विच हो जाएंगे आपके एयरपोर्ट्स मैकबुक से हटके आपके स्मार्टफोन पर, जिसके लिए आप कॉल को रिसीव करते हैं तो डायरेक्टली दोस्तों उससे कनेक्टेड हो जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों एप्पल एयरपोर्ट्स के स्मार्ट स्विचिंग का ऑप्शन काफी कमाल का यहाँ पे हमको देखने को मिलने वाला है iOS 14 में। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं तो यहाँ पे और भी काफी सारे फीचर्स आए हैं, जिनमें कि दोस्तों यहाँ पे है कार अनलॉक को लेकर दोस्तों, यहाँ पर आप NFC के थ्रू जो अपनी कार है वो कार लेकिन कंपेटेबल होना चाहिए फीचर्स के, तो उसको आप इजिली अनलॉक कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों जो कि आपकी अनलॉक की होगी उसको आप शेयर भी कर सकते हैं किसी दूसरे को, जिससे कि दोस्तों वो आपकी कॉल को जितना वो आपकी कार को जितने भी आप टाइम उसमें सेट करेंगे तो उतने टाइम तक के लिए अपनी कार को आपको अनलॉक कर पाएगा। तो ये भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे फीचर्स निकल कर जहाँ पे आप अपने मोबाइल के थ्रू अपनी कार को अनलॉक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे काफ़ी कमाल के फीचर जो कि हमको देखने को मिलेगा iOS 14 में। यहाँ पर दोस्तों और मैं आपको बता दूँ कि बहुत ही जल्द आपको ये मिलने वाला है, जो भी iPhone यूजर्स है वो बहुत जल्दी आनंद उठा पाएंगे iOS 14 का। और इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि जो स्मार्टफोन है वो काफ़ी सारे स्मार्टफोन में ये आपको मिलने को देखने को मिलेगा ये अपडेट। आपके पास कोई पुराना iPhone भी है तो उसमें भी आपको ये अपडेट देखने को मिलेगा। जहाँ पर हम बात करें iPhone की किस iPhone में आपको देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर iPhone 6s से लेके जो रिसेंटली लॉन्च हुआ है iPhone SE 2020 तक, इन सारे स्मार्टफोन दोस्तों ये iOS 14 का अपडेट आपको देखने को मिलेगा। यदि आपके पास इनमें से कोई भी स्मार्टफोन है तो दोस्तों आप इस न्यू iOS का iOS 14 का लुत्फ उठा पाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे वीडियो पसंद आएगा। देखो मेरे वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना भूलिए, साथ में जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके साथ बेल आइकन को दबा दीजिए, कोई भी वीडियो अपलोड होगी उसके सबसे पहले उसे पहुंचेगी आपके पास। दोस्तों आज से मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।